सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो व्लॉग मैंने किया दोपहर बाद स्टार्ट इसलिए क्योंकि मेरे को अभी पता चला कि सलमान HYC दुलिया शहर में एंट्री कर चुके हैं। मैं जस्ट निकला घर से तो अभी जा रहे हैं उसी जगह पे। बोलो अरे तो एक काम कर, मैं नंबर मिस कॉल मार दे भाई, मैं ना व्हाट्सएप में चैट करके दे दूं। अरे मैं नहीं मानूंगा, तुम्हारे मूवी अच्छी लग रही है। अरे यार बोल रहे मूवी, बोलो शायरी बोलो, अच्छा लग रहा है। बोल रहा भाई रह ना पाऊंगे, हमें बुला कर देख लो, यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो, कमी महसूस होंगी हमारे ना आने से, चाहे तो कितनी महफिल सजा कर देख लो। क्या बात है, क्या बात है, मजबूत दिया जा रही है। ये गंदी सियासत नहीं करते हम, करते हैं खुद अपनी हिफाजत यहाँ, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। मैं इस वक्त सुहेल कादरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मोहतरम माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल हैदराबाद की दबंग आवाज सुहेल कादरी माइक पर आए। ऐसी सियासी जिंदगी को ठोकर पे मारता हूँ मैं, जहाँ बात शहरियत की आती है, जहाँ बात मस्जिद के अल्लाह के घर की आती है। किसके पास वो बैठ रहे हैं दुनिया के चंद मुसलमान, अनिल गोटे के स्टेज पे बैठते हैं। जो अनिल गोटे किसका उम्मीदवार है, शिवसेना का उम्मीदवार है, क्या आपको पता नहीं है? मुझसे ज्यादा आपको पता है कि उद्धव ठाकरे ने बड़े नाज से और फख्र से ऐलान किया था कि हाँ बाबरी मस्जिद की शहादत में हमारा भी हिस्सा है। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में थी वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने पर तेरी औकात भी खुल जाएगी, वक्त आने पर तेरी औकात भी खुल जाएगी। जो लोग एक इत्तेहाद और मुनज़्ज़म तरीके से मंज़े इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के फजल अजीज उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का। जो लोग हमको डराने की बात करते हैं, जो लोग हमको जुल्म करने की बात करते हैं, याद रखो तुमको जिंदगी जितनी अजीज है उससे ज्यादा मौत हमको अजीज है। हम करने कपड़ा लगाने लेंगे, हम मुकाबला करने के कभी हो, हम खैर का मुकाबला करते हैं, हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, हम पीटने दिखाएंगे। नौ नहरों के मुस्तकबिल को संवारने की बात आती है तो हम न्याय ठहर के मुकाबला करेंगे, कि उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। और क्या हो हमें वक्त यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। शुक्रिया आपका। कल सुबह 10 बजे कल सुबह 10 आप लोग सब्र तहम्मुल से काम ले और वो ऐसा मर्द मुजाहिद है, मैं आपको बता दूं, सलमान खान ऐसा मर्द मुजाहिद है कि लाखों और करोड़ों के बीच में रहकर ये कहता है कि सुनो तेदाद के बल पर हमें ललकारने वालों, हमारे पांव की आहट से लश्कर कांप जाता है। सुनो तेदाद की बल पर हमें ललकारने वालों, हमारे पांव की आहट से लश्कर कांप जाता है। खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है, मुजाहिद का बदन छूते ही खंजर कांप जाता है। सलमान खान आपके दरमियान में आ रहे हैं, सलमान खान आपके दरमियान में आ रहे हैं, इससे कोई कीजिएगा। आजाद नगर के लोगों को एक ऐसा मर्द
आपकी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत ही है ना, तब ये डिसिप्लिन होना ना दीन का हिस्सा भी है ना अखलाक, तो अखलाक कहाँ है फिर, है ना अखलाक। आप हम देखते हैं एक बीजेपी का एक नुमाइंदा कितनी नफरत फैला रहा है। आप लोगों को शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैंने वो वीडियो देखी है यहाँ के बीजेपी के नुमाइंदे की, कि वो खुले अल्फाजों में कह रहा है कि जब वो जीत जाएगा तो यहाँ के मुसलमानों के घरों को तोड़ देगा। देखा आप लोगों ने वीडियो, मुसलमानों के घरों को तोड़ने की बात कर रहा है। मुसलमान वो है, वो नादान को कह रहा हूँ, मुसलमान वो शख्स है अगर वो लफ्ज मोहब्बत से बात कर लेगा तो उसके लिए जान भी देगा। और ये हमको तोड़ने की बात करते हैं, अगर तू छोड़ने की बात करता तो ये तुझे मुसलमान सैल्यूट करते, मगर तू घर को उजाड़ने की, जिंदगियां उजाड़ने की बात करता है। और वो एक शख्स है जिसका नाम फारूक शाह साहब है, जो आज इस जमीन पर इतना बेहतरीन काम लेकर आए हैं, 1300 करोड़ का काम यहाँ पर लाकर इस सरजमी को उजाला करने की कोशिश की है। उजाले में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं गालिब, उजाले में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं गालिब, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में साथ दे। और वो अंधेरे में साथ देने वाले आपके फारूक शाह साहब है, ये तोड़ने वाले नहीं है, है लीडर वही होता है जो जोड़ने की बात करे, जो अमन की बात करे, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करे। मगर यहाँ पर वंशज बैठी है, फिर हमको भी आता 2020 खेलने आता ना, तो उनकी फर्स्ट इनिंग हो रही है, हमारी सेकंड इनिंग बाकी है, है ना। तो कभी भी तोड़ने की बात नहीं करना, जोड़ने की बात करना। यहाँ पर बताओ कितने मुसलमानों को बीजेपी वाले ये आरएसएस वाले घर बना के दिए, फिर घर तोड़ने की बात करते। मैं आप लोगों को एक ही पैगाम दे रहा हूँ नौजवानों, मेरी अगर दिल की धड़कन अगर धड़क रही है तो यह उम्मत के लिए धड़क रही है, यह उम्मत के लिए धड़क रही है। और मैं वही सरकार का उम्मती हूँ जिसने अपने पेट से पत्थर भरकर हमारे लिए लड़ा, हमारे लिए मुकाबला किया उन जालिमों से। आज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
आपके दरमियान में आ रही है इंद्रिया माजी हुसैन साहब आपके दरमियान में।